हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं हूं सीमा। आप लोग को पता ही है कि हम अपने चैनल पर हर बार आप लोग के साथ में शेयर करते हैं हर महीने की शुक्ल पक्ष की डेट। तो फाइनली मैं आप लोग के साथ में लेकर के आ गई हूं आपका 2021 का अगस्त का शुक्ल पक्ष डेट। अगस्त में बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं कि दीदी हम अपने बालों को किस दिन और किस डे में कट करें जिससे हमारे बालों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है ना। तो फाइनली मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आपकी शुक्ल पक्ष की जो डेट है वो अगस्त में कब स्टार्ट हो रही है और कब खत्म हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं हमारी जो शुक्ल पक्ष की डेट है वो कब स्टार्ट हो रही है और कब खत्म हो रही है, उसके बाद से डिटेल में बात करती हूँ, ठीक है ना। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो शुक्ल पक्ष है 2021 का ये हमारा कैलेंडर है, ठीक है। और जो शुक्ल पक्ष हमारा स्टार्ट हुआ है वो 9 तारीख से लेकर के आपका 22 तारीख तक का है, यानी कि पूर्णिमा को आपका जो शुक्ल पक्ष है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और आपका देखिए भद्रपद कृष्ण पक्ष जो है हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 23 तारीख से। तो 23 तारीख से आपका कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। प्रतिपदा का मतलब होता है फर्स्ट और फिर नीचे लिखा हुआ है आपका द्वितीय कृष्ण पक्ष, ठीक है, तो उसका मतलब सेकेंड। तो यहाँ पर आपका शुक्ल पक्ष जो है वो 22 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो इस बीच में आपको अपने बालों की कटिंग करनी है, मीन्स की 9 तारीख से लेकर के आपको 20 तक कटिंग कर सकते हैं, आप 21 तक कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट शनिवार का और आपको शुक्रवार में कटिंग कर सकते हो आप, शनिवार बृहस्पतिवार और मंगलवार का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन बीच में आप कटिंग ना करें, बृहस्पतिवार हो गया, शनिवार हो गया और आपका मंगलवार हो गया, ठीक है ना। इन तीन डे में आपको कटिंग नहीं करनी है, बाकी आप कटिंग कर सकते हो 2 इंच, 3 इंच, 1.5 इंच, इतनी आपको ठीक लगे। सो गाइज, देखा आपने हमारी जो शुक्ल पक्ष की डेट है, आप लोग को पता ही चल गया कि हमारी जो शुक्ल पक्ष की डेट है कब शुरू हुई है और कब खत्म हुई है। तो आप लोग अच्छे तरीके से कैलेंडर में देख लीजिएगा और इस वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा जिसमें मैंने आप लोगों के सामने कैलेंडर के साथ में डिटेल में बताया हुआ है। अब बालों को यहाँ पर कट कितना करना होता है, आपको बालों को 1 से 1.5 इंच कट करना है या आप चाहें तो 2 से 3 इंच कट करें, खुद से ट्रिमिंग करें। मैंने अपने बालों को फ्रंट हेयर में ये वाले अपने बालों को मैंने कट किया था, आप लोग को पता होगा, और मैंने अपने बालों को ये जो लेंथ है मेरी मैंने यहाँ तक कट किया था, ठीक है, चिन से ऊपर ऊपर कट किया था। और आप देख सकते हो मेरे बालों की लेंथ कितनी है, और ये जो मेरे बाल थे ये मैंने नोज के पास से कट किया था, ठीक है, नोज से ऐसे लेकर के कट किया था। और आप खुद देख सकते हो मेरे बालों की लेंथ कितनी अच्छी हो चुकी है और बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है अगर आप शुक्ल पक्ष में अपने बालों की कटिंग करते हैं। तो आप लोग स्टार्ट नहीं किए हैं तो स्टार्ट कर ले, जो हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चाहें तो हमारे सीमा ब्लॉग को भी वॉच कर सकते हैं जिसमें आपको हम अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं कि आपको क्या चीजें खानी है, क्या चीजें लेनी है, क्या चीजें पीनी है, किस तरीके से आपको अपने बालों की केयर करनी है, ठीक है ना। और आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका जो आपका चार्ज होता है वो है आपका 1599 रुपीज 1 मंथ की प्रीमियम मेंबरशिप। आपको बेसिक वाली मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करनी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बीच में बालों को कट करना है, उसके बाद 2 महीने का आपको रेस्ट देना है, यानी कि आपने अगस्त में कट किया, अगस्त सितंबर आपके बालों में कटिंग नहीं होगी और अक्टूबर भी कटिंग नहीं होगी। आप नेक्स्ट नवंबर में अपने बालों की ट्रिमिंग करोगे 1 से 1.5 इंच, ठीक है। आप देखोगे कि आपके बालों की जो लेंथ है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। साथ में आपको रेमेडीज भी फॉलो करनी है, पानी बहुत सारा पीना है और नारियल पानी तो बहुत ज्यादा पीना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है ना लाइक कर दीजिएगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। बाय।